अंग्रेजों के समय जब अप्रैल का समय आया तो इन्होंने कहा कि पूरे विश्व में नौ वर्ष तो सनातन नौ वर्ष मनाया जाता है, तो हमारे नौ वर्ष को बदनाम करने के लिए अंग्रेजों ने इसे फूल डे कहकर बुलाना शुरू कर दिया, मूर्खों का दिन। ये मूर्खों का दिन नहीं है, ये हमारा दिन है। हमारे फूल खिलते थे तो उनके अंग्रेजी में फूल यानी मूर्ख होता था, तो उन्होंने हमारे हिंदी के फूल को फूल डे कहना शुरू कर दिया था। और हमने भी उन्हीं के वरगलाए नियम कानून के अनुसार से अफवाहों को मानने लगे और हम भी एक अप्रैल को लगेंगे व्हाट्सएप पे भेजने, मूर्ख दिवस हम ही मनाना शुरू कर देंगे, फेसबुक पे भेजेंगे, हम ही भेजेंगे। अरे हमारे देवी देवताओं का अपमान है ये, हमारे पूर्वजों का वंशजों का अपमान है, हमारी सनातन परंपरा का ये अपमान है। जिसको पता नहीं उसको समझा देना कि फूल डे हमारा नहीं है, फूल डे उन मूर्खों का है, उन अंग्रेजों का है जिन्होंने फूल डे कहा। आप देख लीजिए, कह तो दिया 1 अप्रैल को कि मूर्खों का दिन है, लेकिन पूरी दुनिया के सारे बही खाता एक ही तारीख को बदलते हैं, 31 मार्च को हमारी क्लोजिंग होती है पूरे विश्व में। आज भी हो रहा है ना, पूरा विश्व आज अपने व्यापार रोजगार को 31 मार्च को बंद करता है, नया खाता शुरू करता है 1 अप्रैल से, और उस दिन से पूरा विश्व नहीं बही खाता के साथ में नया बिजनेस नया व्यापार चलता है। जब इतना महत्वपूर्ण दिन उस 1 तारीख से शुरू होता है तो हमारा नौ वर्ष मूर्खों का दिन कैसे हो गया? इस 1 अप्रैल को आप कभी भी इस तरह के कोई मैसेज मत देना, और जिनको नहीं पता उनको समझाना।